राम राम जी सभी भाइयों को। आज हमारे साथ है 1.6 CRDI डीजल ऑटोमेटिक क्रेटा। ये 2019 रजिस्टर्ड गाड़ी है, बिल्कुल न्यू ली थी हमने। 20 किलोमीटर चली हुई ओडो, अब ये 25,000 किलोमीटर चल चुकी है। आज हम इस कार का रिव्यू करेंगे। पहले हम इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं। आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं हेडलाइट्स में, आपको कॉर्निंग लाइट्स मिल जाती है, DRL मिल जाती है, फोग लाइट मिल जाते हैं। ये आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है। ये जो ग्रिल है ये क्रोम की है, सेम दिस साइड। अलॉय व्हील्स की बात कर लें तो ब्रिकस्टोन के टायर्स आए थे कंपनी से। प्रोफाइल टायर की 21560R17। साइड में आपको ब्लैक कैडिंग मिल जाती है जो कि SUV लुक और ज़्यादा बढ़ाती है। साइड लुक की बात करें तो क्रोम हैंडल्स, ऑटो फोल्डिंग ORVMs विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स, रूफ रेल्स है हमारे पास, पीछे आपके पास टेल लाइट्स हैं, क्रोम गार्निश है, नंबर प्लेट, ऑटो की बैजिंग, SX की बैजिंग, ये वाइपर लाइट, अलॉय व्हील्स, सेम प्रोफाइल एयर। चलिए अंदर से बात करते हैं, अब अंदर क्या क्या मिलता है हमें गाड़ी में। जैसे हम इसे स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। पुश स्टार्ट बटन आता है इसमें। ऑटोमेटिक कार है, PRND, हैंड ब्रेक, एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है, हॉर्न, स्टीरियो माउंटेड कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको ट्रैक चेंज करने के, मोड चेंज करने के, म्यूट, वॉल्यूम अप एंड डाउन, कॉल पिक एंड होल्ड पर कट करने के लिए, रीसेट, ट्रिप। आपके पास आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट इसका काफ़ी डीप है। यहाँ पे आपके पास ग्लव बॉक्स मिल जाता है, डे नाइट ORVM है, ग्लव बॉक्स नॉर्मल है, USB चार्जिंग, 12 वोल्ट का सॉकेट, ऑक्स। आपके जो इसके डोर पॉकेट्स है वो सफिशिएंट है 1 लीटर की बोतल रखने के लिए, कुछ न्यूज़पेपर या कपड़ा वगैरह रखने के लिए। आपके पास चारों पावर विंडो आ जाती है एंड ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन है, लॉक अनलॉक। जो इसका हॉर्न है ना वो बहुत अच्छा है, मैं आपको सुनाऊं। जैसे कि गाड़ी को बंद कर देते हैं, अब इसके पीछे रियर स्पेस की बात करते हैं। गाड़ी मैं काफी पीछे करके चलाता हूँ, फिर भी इसका जो लेग रूम है वो बहुत ज्यादा है। हम इस सीट पर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है इस कार में। आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर, रूफ माउंटेड लाइट्स हैं, आगे भी लाइट्स हैं, सनग्लास होल्डर्स, वैनिटी मिरर, ये सीट्स कवर हमने आफ्टर मार्केट लगवाए हुए हैं। अगर हम आफ्टर मार्केट की बात कर ले तो ये सन ब्लाइंड्स, सन वाइजर्स, ये आगे लाइट्स, पीछे की ये LED लाइट्स आफ्टर मार्केट है गाड़ी की। गाड़ी 25,000 चल चुकी है। हम गाड़ी की स्पेसिफिकेशन पे आए तो गाड़ी में 1.6 CRDI डीजल इंजन आता है जो कि 126 BHP एंड 260 NM टॉर्क निकालता है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 190 mm। गाड़ी बहुत रिजिड फील होती है, आजकल की होंडाई से बहुत अच्छी है। इसके जो इसके अंदर स्टिफ सस्पेंशन आते हैं, स्टिफ सस्पेंशन बहुत ही स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं हाईवे पे। अब इसके अंदर आराम से 160-170 क्रूज कर सकते हैं। लीगल स्पीड नहीं है पर वैसे फॉर नॉलेज 160-170 आप इस गाड़ी में आराम से चला सकते हैं। आज की क्रेटा से बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसमें जो स्टील, लोहा जो भी इस गाड़ी में लगा हुआ है, इंटीरियर क्वालिटी की बात कर ले चाहे इंटीरियर प्लास्टिक्स की बात कर ले, आज की क्रेटा की तरह यहाँ का चूं चाहे अभी नहीं करता, ये बिल्कुल अच्छा है। पर हाँ, इसमें जो मेरे को नेगेटिव लगे वो है इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है, पर हालांकि वो आने लग गई। लेकिन उस टाइम भी 16-17 लाख रुपए की गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट तो होनी चाहिए थी, पर ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हम बूट स्पेस की बात कर ले तो 402 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस आता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इनबिल्ट नेविगेशन आता है इसके अंदर, FM रेडियो। इसकी साउंड क्वालिटी एवरेज है। यहाँ से इसका वॉल्यूम आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल, ट्यून, सेटिंग्स, कनेक्टिविटी,
ब्लूटूथ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है। ऑटो क्लाइमेट एसी है इसमें। चलिए इसका ड्राइव रिव्यू शुरू करते हैं। आप यहाँ से इसकी ट्रिप चेक कर सकते हैं। ये एवरेज स्पीड है गाड़ी की, टाइम ट्रिप ए ट्रिप बी, इस ट्रिप के बटन से कंट्रोल होती है गाड़ी, ये सब कुछ। इसका गेयर बॉक्स और इंजन बहुत अच्छे से ट्यून्ड है। 1.6 लीटर का इसमें डीजल इंजन आता है, बहुत पावरफुल है, कमांडेबल है। लेकिन इसमें वही दिक्कत है, ये हम जैसे इसमें एक्सीलेटर करते हैं आवाज़ ज़्यादा करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं आवाज़ ज़्यादा करती है। भक्ति कम है, रिस्पॉन्स देती है पर लैग है इसके अंदर। अभी साइड मिरर इसके काफ़ी अच्छे हैं, विजिबिलिटी में गाड़ी में कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। गाड़ी के सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं हाई स्पीड्स के लिए, पर हाँ थोड़ी दिक्कत देते हैं गड्ढे में, पोर्ट होल्स में गाड़ी थोड़ी ज़्यादा हिलती है। गाड़ी देख सकते हैं, मैं इसको भी रैप करता हूँ। मैंने हाफ एक्सीलेटर दबाया है लेकिन गाड़ी रैप ज़्यादा कर रही है और रिस्पॉन्स उतना नहीं है गाड़ी में, आप देख सकते हैं। गाड़ी का जो कैबिन है वो काफ़ी स्पेशियस फील होता है इस बेज कलर की वजह से। इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट है, जो Hyundai का ABS सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। पहले तो इसके ब्रेक थोड़े थोड़े लगते हैं और ज़्यादा दबा दो तो गाड़ी स्लिप मार जाती है, ये इसके अंदर बहुत बड़ी दिक्कत है। पर हाँ इसके ब्रेक्स अच्छे हैं, कंट्रोल में गाड़ी चलाओ तो 100-120 बहुत अच्छी गाड़ी है। लेकिन हाँ इस सेगमेंट में एक फीचर कम है जो बाद में फेसलिफ्ट में आ गया था, यहाँ पे इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है और इसके अंदर हम माइलेज भी नहीं देख सकते कि इसकी गाड़ी माइलेज इस टाइम कितना दे रही है। एक टॉप मॉडल कार में जो उस टाइम 18 लैक्स अप्रोक्स आती थी गाड़ी डीजल ऑटोमेटिक, ये चीज़ इसमें होनी चाहिए। पर हाँ आज की क्रेटा की तरह आपको गिमिक फीचर्स नहीं मिलते इसमें, लेकिन गाड़ी में सॉलिडिटी है, रिजिडिटी है, गाड़ी दब के चलती है, अच्छे से चलती है, गाड़ी में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। हाइट एडजस्टेबल आपको इसमें सीट मिल जाती है। अब क्रेटा में इलेक्ट्रिक आयरन लग गई है, ये ब्रेकर आएगा गाड़ी के, तो गाड़ी हिलती थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन क्रेटा है तो एक फैमिली कार। मेरी जो फेवरेट जनरेशन क्रेटा है वो यही है। अब थोड़ा सा पैच खाली आएगा, हम थोड़ा इसको रैव करके देखते हैं रिस्पॉन्स गाड़ी का कैसा है, आप भी देखिएगा। गाड़ी क्विक है पर इसका इंजन बहुत ज्यादा ओवर रैव करता है, आवाज बहुत ज्यादा आती है गाड़ी में। आप इसको मैनुअल मोड पे भी चला सकते हैं, पर डी इज मोर देन इनफ़।